ब्रदर जो कि ग्रुप ए के चैंपियन जो कि फाइनलिस्ट टीम रही है और उनका प्लेलिस्ट हमारे मंच पर जमा करते हुए टाइम ब्रेक में जो भी टीम जीतती है उनके साथ साथ उनका मुकाबला किया जाएगा। साथ नहीं जी हाँ, उन्हीं के साथ मुकाबला किया जाएगा। चलते हैं मैदान के एक चोर पर जहां टाइम ब्रेक आरंभ हो चुकी है। कुमरिता की ओर से पहला गोल जर्सी नंबर 4 के लिए आते हुए और गोलकीपर साहिल अब्राहम थोड़ी सी बीट हुए। और जी हाँ, जियो स्टार है चामासा की टीम कप्तान से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, बिल्कुल बिल्कुल आप तार रहेंगे और कुछ क्षण बाद हमारे बीच में पधारेंगे हमारे आज के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और हमारे स्वागत टीम उनके काफी जोरों शोरों के साथ है। हमारे आदिवासी पारंपरिक रीति रिवाज के साथ उनका स्वागत करते हुए स्वागत टीम और हम उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे कमेटी ओर से। और इस बीच हमारे बीच मौजूद है, धीरे धीरे आ रहे हैं आज के फाइनल में मैच में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे बीच उपस्थित रहेंगे मुख्य अतिथि श्रीमती पूनम किलुआ प्रखंड प्रमुख नौमुंडी, विशिष्ट अतिथि के तौर पर श्री मंगल सिंह किलुआ एसटी मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य, उनका अभिवादन करते हुए हमारे वरिष्ठ सदस्यों की अगुवाई में आदिवासी नृत्य कला संस्कृति के परंपरा जो दामाद वहीं होता है उन से वहां पर स्वागत करते हुए हमारे मुख्य मंच की ओर लाते हुए श्रीमती पूनम किलुआ प्रखंड प्रमुख बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर एवं श्री मंगल सिंह किलुआ एसटी मोर्चा प्रदेश कार्य समिति विशिष्ट अतिथि के तौर पर और तमाम वॉलेंटियर से वो मेंबर से निवेदन रहेगा आप उनका तालियों के साथ स्वागत करेंगे। श्रीमती पूनम किलुआ प्रखंड प्रमुख नौमुंडी बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर एवं विशिष्ट अतिथि के तौर पर श्री मंगल सिंह किलुआ एसटी मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य हमारे बीच धीरे धीरे मुख्य मंच की ओर प्रस्थान करते हुए हमारे वरिष्ठ सदस्यों की अगुवाई में आज के फाइनल मैच में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे बीच बिल्कुल भी विराजमान होते हुए मुख्य अतिथि के तौर पर श्रीमती पूनम किलुआ प्रखंड प्रमुख नौमुंडी, विशिष्ट अतिथि के तौर पर श्री मंगल सिंह किलुआ एसटी मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य एवं विशिष्ट अतिथि के तौर पर श्री अनिल उराव सर जी नौमुंडी टाटा स्टील सीएसआर हेड, सम्मानित अतिथि के तौर पर श्री बामिया चंपिया कोटगढ़ पंचायत के मुखिया श्रीमती जसमती त्रिया, पूर्व कोटगढ़ पंचायत के मुखिया श्री मनोज कुमार त्रिया, ग्रामीण मुंडा कुटिंता श्री हरिश्चंद्र त्रिया, भूमिदाता श्री रमेश चंद्र त्रिया, पूर्व कोटगढ़ पंचायत मुखिया एवं नौमुंडी थाना के थाना प्रभारी अंकिता सिंह हमारे बीच इस समय मौजूद हैं मुख्य मंच में बतौर अतिथि के तौर पर। नाम
जस्ट टू ईट के टीम कप्तान, ध्यान देंगे जस्ट टू ईट कुटिंगा के टीम कप्तान। आप आए हुए हैं तो कृपया कमेटी के साथ संपर्क करेंगे। यह जस्ट टू ईट कुटिंगा के तीन प्लेयर यह कप्तान आए हुए हैं तो कमेटी के साथ संपर्क करेंगे। बहुत ही जबरदस्त टाई ब्रेक जारी है, एक के बाद एक अभी तक निर्णय आना बाकी है। कौन सा टीम जीतेगी, कौन सा टीम हारेगी, हमारे लिए कहना थोड़ी सी लापरवाही साबित हो सकती है, देखना होगा। फुटबॉल खेल अनिश्चितता का खेल माना गया है और दोनों ही दल की ओर से गोलकीपर की अच्छी बचाव देखने को मिलता हुआ और देखते हैं किस मैच में। हालांकि दोनों टीम प्राइज के हकदार है लेकिन होट सीट यानी फाइनल में अपनी जगह बनाने के लिए दोनों की टीम से काफी लाजवाब प्रदर्शन। इस बार गोलकीपर बहादुर सोरेन शॉट लेने के लिए संजय बिरो तैनात है गोलकीपर की भूमिका को अदा करने के लिए और देखते हैं दोनों ही टीम गोलकीपर से खेलते हैं अधिकांश। और बहुत ही अच्छा शॉट गोलकीपर दूसरी ओर लपके और बोल गई गोल में तब्दील होता हुआ। सभी की निगाह है लादान के एक चोर पर। दर्शक भी चाहेंगे कि इस मैच में दोनों टीम में से कहने की टीम के जो समर्थक है वो चाहेंगे कि हमारी टीम की जीत हो, लेकिन अभी तक निर्णय आना बाकी है। अब देखते हैं मनी जो कि ब्लैक मनी के खिलाड़ी किन को भेजेंगे शॉट करने के लिए। थोड़ी सी डिस्कशन करते हुए और सुने जाते हुए 22 नंबर संजय बिरुआ जो कि बड़े मैदान पर गोलकीपर ने बल्कि डिफेंडर का काम उन्होंने किया था लेकिन पेनल्टी शूट आउट में एक गोलकीपर की भूमिका अदा करते हुए। जस्ट टू ईट की टीम कप्तान अपने खिलाड़ियों को मैदान पर प्रवेश करा देंगे। जो भी टीम हारती है उनके साथ आपका मुकाबला किया जाएगा थर्ड एंड फोर्थ स्थान की। जस्ट टू ईट की टीम कप्तान ध्यान देंगे आप अपने खिलाड़ियों को मैदान में प्रस्तुत करा दें कि खेल में जो भी टीम हार का सामना करती है उनके साथ आपका मुकाबला की जाएगी। और टाई ब्रेक में जो भी टीम हारती है मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहूंगा कि आप मैदान पर रहेंगे थर्ड एंड फोर्थ स्थान के लिए। टाई ब्रेक साथ ड्रॉ की पोजीशन पर रही है दोनों ही पक्ष की ओर से। अब उनका निर्णय भारतीय मुद्रा जो की कागज के द्वारा लिया जाएगा। ये भी देखना होगा किसकी किस्मत आज साफ देती है। दोनों टीमों ने काफी मेहनत किया, मेहनत कर रहे हैं, किसको मिलती है ये देखना होगा। और जी हाँ जस्ट एक कुटिंगा टीम बताओ से मैं निवेदन करना चाहूंगा आप अपने खिलाड़ियों के साथ मैदान पर चले आए और हमें जिस प्रकार से सूचना मिली है आयोजक समिति कुटिंगा की ओर से क्योंकि लूजिंग सेमीफाइनल का जो मैच होने वाली है वो पेनल्टी शूट आउट के माध्यम से किया जाएगा क्योंकि समय की अभाव है और जो भी टीम हारेगी आप मैदान पर ही रहेंगे ध्यान देंगे। और बिल्कुल यहां पर किसी को इजहार करते हुए ब्लैक मनी निशिपुर की टीम